सो गाइज, माय नेम इज आशीष एंड यू आर वाचिंग रेसल स्ट्रोक। आज के इंपैक्ट रेसलिंग के रेबेलियन 2022 में हमें नॉकआउट वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए द इन्फ्लुएंस वर्सेस द इंस्पिरेशन के बीच में हमें मैच देखने को मिल रहा है। तो इस मैच के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए सेल वीडियो को शुरू करते हैं। वेल गाइज, राइट नाउ आज के हमें इंपैक्ट रेसलिंग के रेबेलियन 2022 में हमें द इन्फ्लुएंस वर्सेस द इंस्पिरेशन के बीच में नॉकआउट वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिल रहा है, जहां पे दोनों टैग टीम है उनका एंट्रेंस हो चुका है। दोनों टैग टीम के एक एक मेंबर मैच को स्टार्ट कर चुके हैं और इनकी राइवलरी में थोड़ा चला जाए, यानी कि कैसे कैसे इनकी राइवलरी स्टार्ट होती है तो मैं आपको बता दूं कि इनकी राइवलरी मतलब सिंपल सी स्टार्ट होती है। ऐसा कुछ हमें सीन देखने को मिलता है कि पहले मतलब बाउंड फॉर ग्लोरी 2022 में, जो कि हमें जुलाई में आई थिंक कि जून में इनका पेपर व्यू देखने को मिला था, वहां पे हमें द इंस्पिरेशन का WWE के बाद इंपैक्ट रेसलिंग में डेब्यू देखने को मिलता है। इंपैक्ट रेसलिंग में जब उनका डेब्यू हमें देखने को मिलता है तो वो टैग टीम चैंपियनशिप को डेब्यू में ही जीत जाते हैं। हाँ गाइस, जीत जाती हैं। हमें उनका बाउंड फॉर ग्लोरी 2022 में डेब्यू देखने को मिलता है और वो डेब्यू मैच में ही द इंस्पिरेशन हमारे इंपैक्ट के नॉकआउट वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप को जीतती हैं और वो कैप्चर करती हैं। और उसके बाद हमें द इन्फ्लुएंस का और द इंस्पिरेशन का राइवलरी देखने को मिलता है। और उसके बाद गाइज क्या होता है कि द इन्फ्लुएंस उनसे वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप को जीत लेती हैं। और उसके बाद गाइज ये वाला राइवलरी फिर से स्टार्ट होता है। और उसके बाद WWE नहीं बल्कि इंपैक्ट रेसलिंग अनाउंस करती है कि द इन्फ्लुएंस वर्सेज द इंस्पिरेशन के बीच में, यानी कि आज के रेबेलियन 2022 के लिए नॉकआउट वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए हमें मैच देखने को मिलने वाला है, जो कि ये मैच हमें अभी राइट नाउ देखने को मिल रहा है। तो ये मैच हमें कुछ ऐसा ही सीन देखने को मिल रहा है, तो अभी के लिए हमें कुछ यही चीज़ मैच देखने को मिल रहा है। देखते हैं इस मैच का क्या रिजल्ट होगा। जो भी मैच का रिजल्ट होगा मैं आपको बता दूंगा, लेकिन गाइज आज के लिए अभी के लिए नॉकआउट वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप का मैच स्टार्ट हो चुका है। तो बाय बाय फ्रेंड्स।